सनी लियोनी दिल को गार्डन गार्डन करने के लिए नाम ही काफी है। सनी लियोनी अपने समय की इंटरनेट सनसनी रही हैं और एक समय दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी में से एक रही हैं। हालांकि आज भी उनका जादू कम नहीं हुआ है, लेकिन जिस काम के लिए वो विशेष रूप से जानी जाती हैं, उनकी उस जर्नी को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सनी लियोनी बेसिकली एक ऐसी इंडियन फैमिली से हैं जो कनाडा में रहती थी। आखिर कैसे एक सामान्य परिवार की लड़की इंटरनेट के ब्लू मार्केट की सनसनी बन गई, उसमें उसकी अपनी मजबूरी थी या फिर उसकी अपनी मर्जी, इसका फैसला तो आप वीडियो देखने के बाद कर लीजिएगा। लेकिन हम आपको लिए चल रहे हैं उस टाइम पीरियड में जब सनी लियोनी का जन्म हुआ था। कनाडा ओंटारियो में स्थित सार्निया में एक इंडियन पंजाबी फैमिली रहा करती थी, जिनके यहाँ 13 मई 1981 को एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया करणजीत कौर। सनी के फादर शादी से पहले दिल्ली में रहा करते थे, लेकिन शादी होने के बाद वो कनाडा में सेट हो गए। सनी के भाई का नाम संदीप है। एक कैथोलिक स्कूल से सनी की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। सनी की पढ़ाई लिखाई चल ही रही थी कि 13 साल की उम्र में उनकी पूरी फैमिली कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई। कैलिफोर्निया के ही एक स्कूल में पढ़ते हुए सनी ने 10वीं क्लास पास की। इस दौरान खेलों में भी उनकी रुचि रही। उन्हें हॉकी और आइस स्केटिंग काफी पसंद था। मरीजों की सेवा करने में सनी का इंटरेस्ट था, इसलिए उसने नर्सिंग की स्टडी करना शुरू किया। लेकिन कैलिफोर्निया में शिफ्ट होने के बाद सनी के फादर के लिए अपना घर चला पाना जरा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि खर्चों के मुकाबले कमाई कम पड़ रही थी। सिचुएशन को समझते हुए सनी ने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पार्ट टाइम में एक बेकरी में काम करना भी शुरू किया। कुछ समय तक सिचुएशन ठीक रही, लेकिन आगे चलकर यह समझ में आया कि इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद सनी ने और भी कई दूसरे काम किए, लेकिन फिर भी सनी की अपनी जरूरतें भी पूरा होना मुश्किल हो रहा था। ऐसी कंडीशन में उनके एक दोस्त ने कहा कि तुम काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत हो, अगर मॉडलिंग में ट्राई करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सनी को अपनी दोस्त की यह सलाह जंच गई। सनी के इस दोस्त के कनेक्शन में एक एजेंट भी था जो पेंटहाउस मैगजीन के लिए मॉडल को तलाश कर रहा था। उसकी तलाश सनी पर खत्म हुई। पेंटहाउस मैगजीन बेसिकली न्यूडिटी के लिए पॉपुलर है। उस समय सनी की उम्र 18 साल थी। उसके दोस्त ने उसे पेंटहाउस मैगजीन के ऑफिस जाने के लिए कहा और सनी दूसरे दिन ही ऑफिस पहुंच गई। लेकिन वहां जाने के बाद सनी को मैगजीन की हकीकत का पता चला कि यह मैगजीन तो न्यूड फोटोशूट के लिए जानी जाती है। सनी को ऑफर दिया गया कि अगर आप हमारी मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाते हैं तो आपको $10,000 से $12,000 दिए जाएंगे। उस समय सनी के लिए यह रकम काफी बड़ी थी और जरूरी भी थी। सनी ने घर में बताए बिना ही मैगजीन के लिए फोटोशूट करा लिया। साल 2001 में उनकी ये तस्वीर जब मैगजीन पर छपी तो चारों तरफ तहलका मच गया और उनकी डिमांड भी काफी बढ़ गई। आगे चलकर पेंटहाउस मैगजीन ने सनी से कहा कि तुम्हारे ऊपर करणजीत नाम सूट नहीं कर रहा है, इसलिए मैगजीन की तरफ से उसे सनी नाम दिया गया और नाम के पीछे लियोन जोड़ दिया गया। इस तरह उनका पूरा नाम सनी लियोन हो गया। सनी को जब पहले फोटोशूट के बाद पैसा मिला तो उन्होंने वो पैसा अपने घर वालों को दिया। घर वालों ने पूछा इतना पैसा कहां से आया, तो उसने बताया कि उनका एक जैकपॉट लगा है, क्योंकि वो सच्चाई बता नहीं सकती थी। इतना ही नहीं, जब पेंटहाउस मैगजीन के फ्रंट पेज पर उनकी ये फोटो छपी तो उन्होंने अपने घर के आसपास की तमाम मैगजीन खुद ही खरीद ली ताकि उनके घर वालों के सामने उनका भेद न खुले। हालांकि सनी ने अपने भाई को इस बारे में बता दिया था। उनके भाई ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया। इस पहले फोटोशूट के सामने आने के बाद सनी के पास डिफरेंट मैगजीन में उसी तरह के फोटोशूट के प्रपोजल्स की लाइन लग गई। सनी ने इन ऑफर्स को एक्सेप्ट किया और देखते ही देखते वो काफी पॉपुलर होती चली गई। लेकिन इसके साथ ही उनके मन में ये डर भी था कि कभी न कभी ये सच्चाई उनके मदर फादर को जरूर पता लग जाएगी। सनी ने अपने डर से खुद को लड़ने का फैसला किया और अपने मुंह से ही अपनी सच्चाई अपने मदर फादर को बता दी। उन्होंने कहा कि जिस जगह उन्होंने कदम रख लिया है वो बदनाम जरूर है, पर पैसा भरपूर देता है। उनकी मदर के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था उनकी अपनी बेटी इस तरीके के काम करे। उनके पिता ने बुझे मन से ही सही इसे एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही अपनी बेटी को ही एडवाइस भी दी कि तुम कभी भी ड्रग्स और टेररिज्म की तरफ मत जाना, उनसे बचकर रहना। सनी के तमाम रिलेटिव्स के सामने जब उनकी सच्चाई सामने आई तो उन सभी ने सनी और उनकी फैमिली से अपने तमाम कॉन्टेक्ट और रिलेशन ब्रेक कर लिए। इन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए सनी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। आगे चलकर उसे विविड नाम की एक कंपनी से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आपको बता दें कि ये एक अडल्ट फिल्म बनाने वाली कंपनी थी जिसके साथ ये सनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो केवल लेस्बियन फिल्मों में ही काम करेंगे, यानी ऐसी फिल्में जिनमें दो महिलाएं आपस में जिस्मानी संबंध बनाती हैं। 3 साल के इसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सनी अपनी लाइफ के पहले पार्टनर को लेकर पोजेसिव हो गई। ये थे मैक रेक्शन, जिनके साथ सनी रिलेशनशिप में आ गई। इसके बाद सनी ने 6 महीने के लिए एक और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
जिसमें वो एक मेल के साथ ओपनली फिजिकल रिलेट होती हुई नजर आने लगी। लेकिन उनकी ये शर्त थी कि इन तमाम फिल्मों में उनके पार्टनर मेक रिएक्शन ही रहेंगे। इस दौरान जितनी भी पॉर्न फिल्में बनी उसमें सनी को काफी पसंद किया गया। ये फिल्में काफी देखी गईं। सनी को मैक से प्रेम हो गया, वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन साल 2008 में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसी साल सनी को एक और झटका लगा। दरअसल सनी जिस प्रोफेशन में थी उसे लेकर उनकी माँ काफी टेंस्ड रहा करती थी, और फिर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। आगे चलकर वो इतनी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करने लगी कि उनकी हेल्थ भी प्रभावित होने लगी। साल 2008 में इसी के चलते सनी की माँ दुनिया को छोड़कर चल बसी। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। ये समय सनी के लिए बहुत दुख भरा था। इसी टाइम पीरियड में सनी के कांटेक्ट में डेनियल बेवर आए। डेनियल बेवर एक पोर्न स्टार और म्यूजिशियन थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे। इसके बाद सनी और डेनियल ने मिलकर खुद का एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, जिसमें वो एडल्ट फिल्में शूट किया करते थे। कुछ समय तक इस तरह की फिल्मों का प्रोडक्शन करने के बाद इन दोनों ने फाइनली इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2010 के पहले खबर आई कि सनी के पिता कैंसर से सफर कर रहे हैं। इसकी वजह से साल 2010 में उनकी भी मौत हो गई। सनी के माता पिता दुनिया छोड़कर जा चुके थे। सनी के पास अब काम भी नहीं बचा था, हालांकि उनकी फैन फॉलोइंग आज भी काफी अच्छी थी। इसी वजह से उनके पास रियलिटी शो बिग बॉस का ऑफर आया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बदले सनी को $1,00,000 ऑफर किए गए थे। ये बात अच्छी थी कि इस पैसे के बदले सनी को किसी तरह की कोई अश्लीलता का सामना नहीं करना पड़ा। सनी के बिग बॉस में आने से उसकी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, और इसके साथ ही बिग बॉस की टीआरपी में भी काफी उछाल आ गया। आपको बता दें कि आगे चलकर सनी और डेनियल ने आपस में शादी कर ली। इसके बाद सैरोगेसी के जरिए इन दोनों के 3 बच्चे हुए। इसके अलावा इन्होंने एक और बच्चे को गोद लिया, जो अक्सर सनी की गोद में नजर आ जाती है। आगे चलकर सनी लियोन को बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म थी जिस्म 2, जो सुपरहिट फिल्म रही, जिसमें लोगों ने सनी को काफी पसंद किया। इसके बाद आई जैकपॉट, जो नहीं चली, लेकिन साल 2014 में रागिनी MMS 2 ने अच्छा खासा बिजनेस किया और ये एक सफल फिल्म थी। इसके बाद सनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड से उन्हें ऑफर आते रहे और वो काम करती रही। आगे चलकर सनी गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली टॉप सेलिब्रिटीज की लिस्ट में आ गई, और लगातार 4 साल तक वो इसी लिस्ट में बनी रही। साल 2017 में तो सनी का जलवा कुछ ऐसा था कि लोगों के द्वारा सर्च किए जाने के मामले में उन्होंने पीएम मोदी को भी पीछे छोड़ दिया था। फिलहाल वो sunnyleone.com की एक वेबसाइट की ओनर भी हैं। सनी लियोन इसके अलावा पेंटिंग्स और राइटिंग्स भी करती हैं। उन्होंने स्वीट ड्रीम्स नाम से एक किताब भी लिखी है। उनकी इच्छा है कि वो आमिर खान के साथ काम करें। हालांकि आमिर खान का कहना है कि यदि वो किसी रोल में फिट होती हैं और वो कहानी मुझे पसंद आती है तो मैं उनके साथ जरूर काम करूंगा। दोस्तों, आप सनी लियोनी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद तो आया ही होगा, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।